जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जी शादी से पहले की तैयारियां चल रही हैं और प्रॉपर वीलॉगिंग का टाइम नहीं था मिला, इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स किए हुए हैं और उनको मैंने सोचा कंपाइल करके आपके साथ शेयर कर दूं। और ये हम पहुंचे हुए मार्केट इब्राहिम साहब की, जो हमें रन टाइम के ऊपर नई शेरवानी लेनी पड़ी क्योंकि पहले इनकी शेरवानी गलत स्टिच होके आई है, और फिर हमने कहा चलें आप यहाँ के ले आते हैं। तो ये इशरा में हम आए क्योंकि इसका एक ये पेंट कोट भी लेना था और साथ शेरवानी हमें बड़ी अच्छी मिल गई, बड़ी रीजनेबल मिल गई। और आप क्या क्या हैं? जल्दी आओ जल्दी आओ। आइसक्रीम मज़े की है? कितनी मज़े की है? और अम्मा से तुमने टॉय भी ले लिया है? चलो आओ, आप खुश हो? अच्छा मेरी इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ, आप खुश हो? अच्छा चलो फिर, आज हम आए हुए हैं इछरा में और इब्राहिम की मैंने आइसक्रीम पकड़ ली है। वो बार बार कह रहा है कि अब्बा मेरी आइसक्रीम जो है वो मुझे पकड़ा है। चैनल अभी तो शुरू कर रहा हूँ, अभी तो शुरू कर रहा हूँ, शुरू कर यारियों में इतना ज़्यादा बिजी है, ना दिन का टाइम, ना दिन का पता चलता है और ना रात का, और ना खाने की तरतीब बन रही है ना नाश्ते का। तो जिधर जो टाइम आता है वहीं भी मार्केट के अंदर बैठे बैठे खा लेते हैं और बड़े मज़े के नान चने ले। जी हम ये फर्नीचर उठाने के लिए पहुंच गए हैं, आप जाके अंदर आपको दिखाते हैं ये फर्नीचर, और उसको इंशाल्लाह कल हमने लोड करना है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मल मल भर के ले आए। लें जी सामान जो है हमारा रेडी है, तो वो इंशाल्लाह सुबह हम यहाँ से पिक करेंगे और उसके बाद हो जाएगा। इधर उसने जाना है फर्नीचर अच्छा है, बिल्कुल सेट है, जिस तरह हमने देखा था वैसे ही बन गया। और इनकी फैक्ट्री बड़ी अच्छी है, बड़ी सोच दे पाया कि फर्नीचर का काम जो है ना वो दुनिया शुरू कर रहा है। चलो टीगर का वेला हो गया थी, तो राह रोक के कुछ भी खाने का टाइम नहीं सी, फिर अस आके चलो है गंडेरियाँ स्नैक का टाइम है, गंडेरियाँ चूसी है, प्याज भी बड़ी लगनी सी, तो फिर अस आके चलो गंडेरियाँ जी ने ना ये बेस्ट। ये जी हम फूलों की दुकान पे आए हैं क्योंकि वो हार शार और जो माला और गजरे और जो चीज़ें लेनी हैं उसके लिए, अभी जब इनके साथ हमारा फाइनल होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि वो कितने कितने में हमारी जो है ना इनके साथ डील हुई है। और ये भाई ढोल वाले हैं, वो कह रहे हैं ढोल चाहिए तो बताएं। चलो ठहर जाए साहब, ला लेंगे यहाँ। माइयों के लिए जो है तैयारी हो रही है भाई जान, ए येलो दे रंग देख लो जरा सर जी, सोने हो पूरा हो ना जरा। जो भी चीज़ें फाइनल करनी थी वो हम करने के लिए आए हुए हैं, और खाने की जो बीच में कोई एक दो चेंजेस थी, डेकोर के मसले थे, और हॉल ऑलरेडी वैसे काफ़ी खूबसूरत है, और इंशाल्लाह बस अब हम निकल रहे हैं, बाकी जो तैयारियां चल रही हैं उनको देखते हैं। लें जी, जी चलें जी। ये जो आप लोगों ने पीछे क्लिप देखे हैं, हम लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे और मीनवाइल घर के अंदर ये पैकिंग चल रही थी क्योंकि आज रात को सामान ने लोड होना था,
और फिर रवाना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये हमने करना है। ये जी आप सारे शेरवानियाँ पीक करनी थी वो की हैं, आप करने के बाद यहाँ पे लक्ष्मी में अमृतसरी दही बल्ले हैं वो हम ट्राई करने लगे हैं बैठ के गाड़ी में। लोग बाहर बैठ के खा रहे हैं दही बल्ले हैं। कैमरे का रिजल्ट ज़रा उनको सही फोकस नहीं कर पा रहा, येलो लाइट हम क्योंकि स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हैं गाड़ी में और वो खा रहे हैं। तो जी अब दही बल्लों की बारी है और ये सामने ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा लक्ष्मी का ब्रिज। तो अब हम खाना खा के सॉरी ये दही वाले खा के निकलते हैं। मैंने वैसे चना चाट मंगवाई है मज़े मज़े की। लें जी हम अब जा रहे हैं सरगोधा वो सामान उतारने के लिए। आज सुबह हम लोग जो है ये सामान देने के लिए जा रहे हैं और आज ही मायों है। अब लोगों ने हमने जल्दी ये सामान वहाँ पे छोड़ के और रात को वापस मायों पे नासर साहब जो साढ़े पुराने मुलाजम ने पहले इन्हों के वालद साहब हूँ ये लाहौर आए ने शादी इंजॉय करन कार्ड शार्ड जिम्मे देसी तरीका ही लोगों लपकाते हैं तो फर्नीचर छड़न भी साढ़े नाल ही जा रहा है। ये हम जो है वो बड़ी स्पैशल इन्होंने बोझियाँ खिदा है असं यो तैयार करते पे हाँ। मेरी बेगम आपको पता फाइन आर्ट से उसका भी ताल्लुक है और वो कहती है कि ज़रा चीज़ थोड़ी सी बड़ी ना खूबसूरत और बड़े सलीके से जानी चाहिए। खैर ये हमने पाउच बनाया है इसके अंदर अब हम रखेंगे सलामी और सलामी इन पैसे पा के बाद इस कार्ड लाऊंगा। ये सलामी के लिए हमने रखी है और ये एक और एक वो जो दूसरा आगे बन रहा है इसके ऊपर सितारे ला के और सितारों के ऊपर लिखेंगे हम आयशा की सलामी और दो जो तोहफे हैं मेरी ममानी जान का और एक आयशा का वो इसमें हम तोहफे रखेंगे। वो भी मैं बता नहीं सकता आपको, वो जब बाद में उन तोहफों का मैं क्लिप डालूंगा तो फिर आपको बताऊंगा। आयशा की ये लिखा जा रहा है जी आयशा की सलामी और इसमें आएगा आयशा का तोहफा और इसमें आएगा मामी का तोहफा। चलो भी तैयारी जल्दी जल्दी करो। पूरे अंकल घूमते रहते हैं ना इस सॉन्ग के एंड पे ना उन्होंने भी गाया था बदलाती नहीं पावे कोई आयशा जो है वो छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती है और उसे पता था कि माइयों के ऊपर बच्चों ने भी आना है तो ये उसने बच्चों के लिए जो है गुडी बैग छोटे छोटे कैंडीज टॉफियाँ चॉकलेट्स वो बनवा रही है ताकि बच्चे भी मस्ती में मस्त रहें। Me.
ये जी स्पेशल हलवा बनवाया है जो कि लोगों के साथ घर जाएगा और इसके नीचे वो जो है ना मिट्टी के प्यालों के अंदर ये बड़ा हुआ है और ये ठूठियाँ ये किसका तोहफा है अच्छा और ये है ये मम्मी का है और इसको भी तो वो उसमें रखो ना क्या नाम है अरे चलो ठीक है सी अबू सो रहे थे इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ और अम्मी उधर ही हैं मामू लोगों की तरफ तो अब हम ये आयशा की सलामी लेके जाते हैं इबी दरवाजा खोलो अच्छा लो जी इस्लामी पहुंच गए ये ते वीलॉग भी मेरा मुक गया है उसी अगले वीलॉग आस्ते इंतजार करो अपना ख्याल रखो शादी का वीलॉग लेके आदर हुन्ने आ